नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग HDFC UPI कैसे एक्टिवेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग HDFC की मोबाइल बैंकिंग से बहुत ही आसानी के साथ कोई भी UPI पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्कैन करके किसी भी मोबाइल नंबर पर या फिर आप किसी भी UPI ID पर बहुत ही आसानी के साथ UPI पेमेंट कर पाएंगे अपने HDFC मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। यानी कि सेम टू सेम जैसे आप फोन पे गूगल पे यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग HDFC UPI भी यूज कर सकते हैं किसी भी तरह के पेमेंट के लिए। आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इसको सीख पाएंगे। रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम इस प्रकार के कंटेंट हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको लेकर चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ से HDFC की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको यहाँ से कर लेंगे ओपन। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ आपको क्लिक करना है मेन्यू पे। मेन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वह है पे का। तो सिंपली यहाँ पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा UPI पेमेंट। सिंपली हम यहाँ UPI पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर सिम आपके फ़ोन में लगा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा सिम है वह आप लोग देख पा रहे होंगे शो कर रहा है और यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर एक OTP आएगा, तो OTP आ चुका है, ऑटोमेटिक फिल भी हो चुका है। यहाँ कंटिन्यू पर हम फिर से क्लिक करेंगे। जो हमारा UPI है वह सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब आप लोग यहां से पैसा भेज सकते हैं, पैसा रिसीव भी कर सकते हैं, स्कैन करके भी पे कर सकते हैं और यहां बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। यहां पर आपको एक ऑप्शन और दिखेगा UPI मैंडेट का। तो अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी जो UPI ID वगैरह है आप लोग उसको मैनेज कर पाएंगे या फिर यहां से आप लोग पैसा भी भेज पाएंगे। तो हम यहां पर पैसा भेज के भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो यहाँ सेंड मनी पर हम कर देंगे क्लिक। तो सेंड मनी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं। एक तो हो गया UPI ID और कॉन्टेक्ट, जो दूसरा ऑप्शन है वह है बैंक अकाउंट, जो तीसरा ऑप्शन है वह है MM ID। तो हम यहाँ पर चूज करेंगे कॉन्टेक्ट और UPI ID। सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम कोई भी UPI ID डालेंगे, कोई भी मतलब जिसमें पैसा भेजना है। तो हम यहाँ पर अपनी ही एक UPI ID डाल लेते हैं फ़ोनपे की। यह ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा कि यह UPI ID किसके नाम से रजिस्टर्ड है, यानी कि बैंकिंग जो नेम होता है वह क्या है। और यहाँ आपको अमाउंट डाल देना है, तो हम यहाँ ₹1 डाल देते हैं। रिमार्क में हम कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ नीचे आपको दिख जाएगा पे, सिंपली यहाँ पे पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बिना पिन डाले आपका जो ट्रांजेक्शन है वह हो चुका है, यानी कि आप लोग HDFC मोबाइल बैंकिंग के थ्रू बिना UPI पिन डाले कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि यह जब आप लोग HDFC की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन होते हैं तो उसी समय यह वेरीफाइड हो जाता है कि हाँ आप ही इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का पिन या पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।